गाइस पाइथन में प्रोजेक्ट बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप लोग उन प्रोजेक्ट्स को अपने पर्सनल पोर्टफोलियो या गिटहब प्रोफाइल में डाल सकते हो। उसी के साथ साथ जब आप इंटरव्यू देते हो किसी जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए, या फिर मान लो आप किसी को अपनी पाइथन स्किल्स फ्लॉन्ट करना चाहते हो, आप लोग फ्रीलांसिंग करते हो और अपना पुराना काम किसी को दिखाना चाहते हो, तो उस केस में आपके पर्सनल प्रोजेक्ट्स आपकी मदद करते हैं। क्योंकि जब भी कोई किसी को भांपना चाहता है कि एक ऐसा कोडर है तो वो उसका पुराना काम देखना पसंद करता है। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए 5 ऐसे अमेजिंग पाइथन प्रोजेक्ट जिनको आप लोग बड़े ही आराम से बना सकते हो। थोड़ा सा मेहनत लगेगा और थोड़ा सा टाइम स्पेंड आप लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत कमांडेबल होगा। और इस वीडियो के एंड तक अगर आप लोग रुकते हो तो मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसी निंजा टेक्निक बताऊंगा जो कि मैंने पर्सनली यूज की है और जो कि आप लोग यूज करके किसी भी जॉब या इंटर्नशिप में अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हो। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपने पहले पाइथन प्रोजेक्ट के साथ। मैं 2 इजी, 1 मीडियम लेवल और 2 एडवांस पाइथन प्रोजेक्ट्स आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जो सबसे पहला हमारा इजी प्रोजेक्ट है वो है डाइस सिमुलेटर। आप लोग एक डाइस को सिमुलेट कर सकते हो। आप में से कई लोग लूडो तो खेलते ही होंगे, और लूडो अगर आप लोग नहीं खेलते हो तो सांप सीढ़ी तो खेलते ही होंगे। कभी कभी आप लोग जो है एक कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हो और आप लोग जो है ठंड में अपने हाथ अंदर रख के डाइस घुमाना नहीं चाहते, तो आप माउस को अपनी पॉकेट में ले जाकर और डाइस को रोल करा सकते हो। अब डाइस सिमुलेटर का जो इस्तेमाल है वो गेम्स को ऑटोमेटिकली चलाने में भी होता है, बट आप लोग एक डाइस सिमुलेटर के नाम से प्रोजेक्ट बना सकते हो जो कि एक रैंडम नंबर जनरेट करेगी 1 से 6 तक, और जो भी रैंडम इंटीजर आएगा वो आपके डाइस का नंबर होगा। आप जब एक डाइस को घुमाते हो तो 1, 2, 3, 4, 5 या 6 आता है। वही काम आप लोग यहाँ पर अपने पाइथन प्रोग्राम से करवा सकते हो रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल करके। अगर आप लोग कुछ ऐसा करना चाहते हो कि 6 आने के चांसेस ज़्यादा रहें या 1 आने के चांसेस ज़्यादा रहें या 5 आने के चांसेस ज़्यादा रहें, तो ये काम भी आप लोग कर सकते हो अपने प्रोग्राम को कस्टमाइज़ करके। तो आप 2-3 कस्टमाइज डाइस भी बना सकते हो कि भाई ये वाली डाइस यूज़ करोगे तो इसमें 6 आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, या फिर ये वाली डाइस यूज़ करोगे तो इसमें 2 आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। इस तरह का प्रोजेक्ट विद 2-3 कस्टमाइज डाइस आप लोग अगर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हो तो आप लोग अपने इंटरव्यूअर को या जिसको भी आप अपना पोर्टफोलियो या गिटहब प्रोफाइल दिखा रहे हो उसको काफी इंप्रेस कर पाओगे। मूव करूंगा हमारे दूसरे पाइथन प्रोजेक्ट की तरफ जो है रॉक पेपर सीजर या फिर स्नेक वाटर गन। बचपन में सभी ने खेला होगा इस तरह का गेम, तो मैंने भी बहुत सारा खेला है इस तरह का गेम, और मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कंप्यूटर के साथ खेलने में और भी ज्यादा मजा आता है। भले ही आपको मजा आता हो या ना आता हो, आप लोग इस प्रोजेक्ट को बनाकर अपने गिटहब प्रोफाइल में डाल सकते हो। एक वीकेंड में आप का ये प्रोजेक्ट बन जाना है और आप लोग अपने इंटरव्यूअर को काफी ज्यादा इंप्रेस कर पाओगे इस पाइथन प्रोजेक्ट से, क्योंकि ये एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है। आप इसको रियलिटी में खेल सकते हो। कोई भी कमांड लाइन एप्लीकेशन आप लोग बनाते हो, कैलकुलेटर बनाते हो, कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करने की स्क्रिप्ट लिखते हो, या फिर मान लो आप लोग फिबोनाची सीरीज, प्राइम नंबर, HCFLCM इस तरह की जब स्क्रिप्ट लिखते हो तो उसमें वो जो रियल वर्ल्ड वाला स्वाद है वो नहीं आता है। और इस तरह के प्रोजेक्ट आप लोग बनाकर अपनी प्रोफाइल में डालोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को वो रियल वर्ल्ड वाला स्वाद आएगा। प्रोजेक्ट तो आसानी से बन ही जाएगा, लेकिन आप लोग जिसको भी ये प्रोजेक्ट दिखाएंगे उसको काफी इंप्रेस करेंगे। बाय द वे, गेम मैंने आप लोगों को अपने चैनल पे भी बनवा रखा है, तो आप लोग अगर इस गेम को चेकआउट करना चाहते हो तो आप लोग मेरा 15 आवर्स वाला पाइथन कोर्स या फिर पाइथन का जो प्लेलिस्ट वाला कोर्स है वो एक्सेस कर सकते हो, उसमें मैंने ये गेम बनवा रखा है। तो ये थे हमारे 2 इजी पाइथन प्रोजेक्ट्स। अब मैं मूव करना चाहूंगा हमारे मीडियम लेवल के पाइथन प्रोजेक्ट्स की तरफ, और उनमें से जो पहला पाइथन प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में आता है वो है आपका रिमाइंडर एप्लीकेशन विद नोटिफिकेशन। यानी कि एक ऐप होगी, आपने एक एक्सेल शीट बना रखी है, उसमें आपको जो भी जब भी रिमाइंड कराना है वो आप उसमें डाल देते हो, और आप जैसे जैसे उसको डालते हो तो आपकी जो पाइथन स्क्रिप्ट है वो बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होती रहेगी। एंड फाइनली जैसे ही टाइम हिट करेगा जब आपको रिमाइंड करना है तो आप लोगों को एक पॉपअप मिलेगा या फिर एक नोटिफिकेशन मिलेगी विंडोज में साइड में, और वो आपको बताएगी कि भाई साहब आपको ये काम करना था और आप इसको भूल सकते हैं, सो हियर इज अ जेंटल रिमाइंडर। तो इस तरह की एप्लीकेशन आपकी प्रोडक्टिविटी को तो बढ़ा ही देगी, लेकिन जब आप इसको अपने पोर्टफोलियो में डालेंगे तो आपके इंटरव्यूअर को बहुत ज्यादा इंप्रेस करेगी। इसका एक क्विक कस्टमाइजेशन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोग एक क्विक कस्टमाइजेशन के तौर पर बना सकते हैं सेम चीज, लेकिन जो रिमाइंड कर रहा था आपका नोटिफिकेशन वो अब आपको रिमाइंड ना करके आपको इंग्लिश वोकैबुलरी का एक वर्ड दिखाएगा, उसका मीनिंग दिखाएगा। ऐसे आप हर घंटा एक वर्ड देखते हैं, या फिर अगर दिन में भी आप एक वर्ड देखते हैं तो साल के एंड में आप 365 नए वर्ड्स सीख जाएंगे। दिन के 4 अगर आप लोग देखते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स आप लोग जो है सीख जाएंगे।
और आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव होगी, तो आपका पाइथन प्रोजेक्ट तो बन ही जाएगा, आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी और एक कॉन्फिडेंस भी आपको आएगा कि हाँ यार मैंने कुछ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पाइथन में बनाया है। अब अगर आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा है कि आप लोग इसको कैसे ऑन अ रेगुलर बेसिस रन करोगे, तो विंडोज़ में शेड्यूलर होता है, आप लोग शेड्यूलर का इस्तेमाल कर सकते हो विंडोज़ में, लिनक्स में क्रॉन जॉब होती है, और आप लोग इस टॉपिक को सर्च कर सकते हो, मैंने भी कहीं ना कहीं आप लोगों को ये सब चीज़ें बता रखी होंगी, बट आप लोग अगर इसको क्विक लुकअप करोगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा कि कैसे शेड्यूल करते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम्स को। अब दो एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं। जो पहला एडवांस प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में आता है वो है डेस्कटॉप असिस्टेंट। मैंने एक डेस्कटॉप असिस्टेंट बनवा रखा है आप लोगों को, लेकिन मैं उस डेस्कटॉप असिस्टेंट की भी बात ही नहीं कर रहा हूं। उस डेस्कटॉप असिस्टेंट को एक मिनट के लिए आप लोग साइड में रखो, मेरी बात को सुनो। आप लोग एक प्रोग्राम बनाओ पाइथन का और आप लोग उसी प्रोग्राम में वॉइस इनपुट्स ऐड करो, और जो भी चीज आप लोग करते हो यानी कि जो भी चीज आपको लगता है कि आप ऑटोमेट कर सकते हो, आप उस प्रोग्राम में ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ। भले ही डे वन पर आपका यह बहुत सिंपल डेस्कटॉप असिस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर आप देखोगे एक साल के बाद इस डेस्कटॉप असिस्टेंट को, या फिर 2 साल के बाद, या मे बी 3-4 महीने बाद भी अगर आप लोग देखोगे इस डेस्कटॉप असिस्टेंट को, तो आपका ये डेस्कटॉप असिस्टेंट इवॉल्व हो चुका होगा और आप लोगों को अब ये बहुत अलग अलग तरह के काम करके दे रहा होगा। आप इस डेस्कटॉप असिस्टेंट को जिस भी हालत में ये है, आप जब भी इंटरव्यू दे रहे हैं आप इसको अपने सीवी में दिखाते रहें, दिखाते रहें, दिखाते रहें, और आप लोगों का ये जैसे जैसे इवॉल्व होता जाएगा, आपका ये जिस भी हाल में है इंटरव्यूअर को डेफिनेटली इंप्रेस जरूर करेगा। सो आप इस प्रोजेक्ट को अपने सीवी में ऐड करना कंसिडर कर सकते हैं। हमारा पांचवा पाइथन प्रोजेक्ट और हमारा दूसरा एडवांस पाइथन प्रोजेक्ट जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो है एक इमेज एडिटिंग ऐप विद GUI, यानी कि हम लोग किंटर का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं और एक GUI बना सकते हैं जो कि इमेजेस को एडिट करेगा। सुनने में लगता है यार आप क्या दूसरा फोटोशॉप बनाने की बात कर रहे हो, क्या आप दूसरा कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने की बात कर रहे हो जो कि बहुत प्रो एडिटर्स यूज़ करते हैं? नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग एक सिंपल सॉफ्टवेयर बनाओ जो कि सिर्फ क्रॉपिंग करने में सक्षम हो, और एक बार आपने इस तरह का सॉफ्टवेयर बना लिया तो आप उसमें फिल्टर्स ऐड कर सकते हो, आप लोग उसमें जो टेम्परेचर है वो ऐड कर सकते हो कि अगर आप किसी पिक्चर को वार्म कलर्स की तरफ ले जाना चाहते हो या फिर उसको जो है ठंडे कलर्स की तरफ ले जाना चाहते हो, तो आप वो काम कर सको। और उसी के साथ साथ ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ये सारे फंक्शंस आपको ओपन सीवी में मिल जाते हैं। आप लोग ओपन सीवी पाइथन इंस्टॉल करें, आपको सब कुछ मिल जाता है, बड़े आराम से चीज़ें हो जाती हैं और आप खुद इंप्रेस हो जाएंगे कि एक एक फंक्शन ओपन सीवी का कितनी सारी चीज़ें करने में सक्षम है। अब वीडियो को स्टार्टिंग में मैंने एक बोनस टिप की बात की थी जो कि मुझे आप लोगों को बतानी है, और वो बोनस टिप ये है कि आप किसी भी टेक स्टैक में इंटरव्यू देने जा रहे हो, चाहे आप लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हो और आपको जो आपका क्लाइंट है वो टेस्ट करना चाहता है कि यार आपके अंदर कितना दम है, आप कितना काम कर सकते हो, या फिर आप अगर किसी इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, आपने किसी कॉलेज में अप्लाई कर रखा है, आपका इंटरव्यू है, आपने गेट दे दिया है, आप कॉलेज में जा रहे हो इंटरव्यू, मतलब किसी भी तरह की सेटिंग में आप हो, तो आप लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। आप लोग जिस भी टेक स्टैक में आपका इंटरव्यू है उस टेक स्टैक को इस्तेमाल करके अपना एक रेज्यूमे बना सकते हो, यानी कि आप जो भी रेज्यूमे देने वाले हो अब आपका वो पेपर में तो रहेगा ही रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो उनका प्रोसीजर है उसको आप लोग चेंज करके बोलो कि यार ये रहा मेरा ऑनलाइन सीवी, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अपने सीवी के साथ साथ यानी कि इन एडिशन टू दैट आपको एक और सीवी बनाना है जो कि आप बनाओगे उस टेक्स्ट टैग का इस्तेमाल करके जिसका आप इंटरव्यू दे रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं एंगुलर डेवलपर का इंटरव्यू दे रहा हूँ जाकर, तो मैं क्या करूँगा, एंगुलर में सीवी बना लूंगा अपना। मैं कहूँगा यार ये मेरा रेज्यूमे है, मेरा रेज्यूमे जो प्रोसीजर की तरह है मैंने आपको दे रखा है, लेकिन मेरा एक और सीवी मैंने प्रिपेयर किया है एंगुलर में, प्लीज़ उसको देखिए और आपका इंटरव्यू ज़रूर देखेगा उस चीज़ को, क्योंकि उसको आपकी एंगुलर स्किल्स ही तो टेस्ट करनी है। अगर आप लोगों को एक ऐसा इंटरव्यू देना है जिसमें पाइथन पूछा जा रहा है, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि हेयर इज़ माई सी वी इन जेंगो, या फिर हेयर इज़ माई सी वी इन किंटर, या फिर हेयर इज़ माई सी वी हेयर इज़ माई ऑडियो सी वी। आप लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपका जो सी वी है वो स्पीक कर रहा है। अब ये कितना यूज़फुल है या नहीं है ये एक दूसरी बात है, बट आपके इंटरव्यूअर पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, वो कहेगा यार ये
इंसान कुछ अलग है, इसने कुछ अलग करके मुझे दिखाया। और ये टेक्निक मैंने यूज़ की है पर्सनली बहुत, और बहुत सारी सक्सेस भी पाई है। सो आप लोग इस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे भी बताना यार कैसी लगती है आपको ये टेक्निक सुनने में, और इम्प्लीमेंट करके तो आप लोग बताओगे कि कैसी लगी जब भी आप लोग अपना इंटरव्यू देने जाओगे तो। सो आई होप कि आप लोगों को ये प्रोजेक्ट्स पसंद आए होंगे। अगर आप लोग पाइथन कोड्स ढूंढ रहे हैं तो मैंने 2 पाइथन कोर्सेज अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। एक मैंने 15 घंटे का पाइथन ट्यूटोरियल डाल रखा है जिसमें मैंने नोट्स भी इंक्लूड कर रखे हैं, तो आप लोग उनको एक्सेस कर लेना। उसी के साथ साथ पाइथन का बहुत सारा मटेरियल, प्रैक्टिस प्रोग्राम, प्रोजेक्ट्स, बहुत कुछ इस चैनल पर पड़ा हुआ है, जरूर आप लोग इसको एक्सेस करना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।